नेवर बाय पिक्सल फ़ोन बिफोर दिस वॉचिंग। देखिए ये है पिक्सल डिवाइस पिक्सल 7, जिसका मेनली इशू ये है कि ये डेड हो जाता है। इसके काफ़ी सारे नेट पे आप रिसर्च करोगे तो आप देखोगे पिक्सल 6, 7, 8 ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं, और इसके बाद इसका सॉल्यूशन जो पिक्सल अथॉरिटी दे रही है वो ये कि फ़ोन को कुछ देर तक चार्ज करो, उसका वॉल्यूम माइनस बटन दबाओ, उसको ट्राई करते रहो, लेकिन ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका मेन इशू है मदरबोर्ड। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, इसको स्विच ऑफ करके इसको ऑन करना या फिर उसको चार्ज करके वॉल्यूम डाउन एंड पावर अप को बटन के प्रेस करना कुछ सेकंड के लिए। ये देखिए मैं वाईफाई से ये कनेक्ट कर चुका हूँ, वाईफाई का लाइट भी दिखा रहा लेकिन डिवाइस ऑन नहीं हो रहा। ये सिर्फ 13 मंथ ओल्ड पिक्सल 7 है जिसे मैंने लास्ट ईयर लिया था। ये देखिए वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन की को प्रेस कीजिए और पावर की को प्रेस करने के बाद भी ये ऑन नहीं हो रहा क्योंकि ये कम्प्लीटली डेड हो चुका है। एक्चुअली ये वर्किंग कंडीशन में मेरे हाथ में था, मैं कुछ व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ रहा था तभी ये फ़ोन अचानक से ऑफ हो गया, जिसका स्क्रीन फ्रीज हो गया या फिर डेड हो गया। इस पर गूगल टीम का कहना है कि आप इसको कुछ घंटों तक कुछ मिनटों तक चार्ज करो, वेट करो कि ये ऑन हो जाए, लेकिन ये ऑन नहीं होता। काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ये पिक्सल में एक कॉमन इशू है। अब देखते हैं इसको पावर कॉर्ड से कनेक्ट करके कि ये लेता है या नहीं। पावर कॉर्ड कनेक्ट करने के बाद भी टाइप सी टू टाइप सी केबल कनेक्ट करने के बाद भी ये ऑन नहीं होगा। सेम स्टेप वापस करते हैं, प्रेसिंग वॉल्यूम एंड पावर की, नहीं डेड, टोटल डेड, ये वर्किंग कंडीशन में है ही नहीं फ़ोन, ये बंद हो गया। अब देखते हैं कि सर्विस सेंटर में मैं इसको डालने के बाद ये क्या सर्विस सेंटर इसका सॉल्यूशन देता है। एक्चुअली सर्विस सेंटर का टिकट भी मैंने रेज किया है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेवर ऑन, अब ये क्या, ये देखिए मेरी जॉब शीट है जिसे मैंने सर्विस सेंटर में डाला था 24 जुलाई को। इसमें कुछ डिटेल मैंने हाइड करके रखी है, और ये देखिए पिक्सल 7, इसका सीरियल नंबर, आउट ऑफ वारंटी लिखा हुआ है, डेट टाइम कंडीशन पिक्सल की यूज़ किया हुआ है। ये जॉब सीट है F1 सॉल्यूशन की तरफ से, जो पिक्सल का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है। बाद में उनका मेल मुझे आया कि आपको इसको रिपेयर करवाने के लिए कितनी कॉस्ट लगेंगी। मेरा बोर्ड मदरबोर्ड और बैटरी का इशू उन्होंने बताया, उसकी कॉस्ट है कम से कम 40,150। व्हाट अ स्टूपिड जोक, गूगल मेक अ स्टूपिड टू एवरी पीपल। उसके बाद मैंने मना कर दिया कि आप इसको मना कीजिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इस फ़ोन को रिपेयर करूँ, ये हाई अमाउंट है 40,000, मैं इसे आप फ़ोन मुझे एज इट वापस भेज दीजिए। ये रहा आज का, अगर मैं पिक्सल फ़ोन आज के डेट में भी रिसीव करता हूँ तो वो मुझे 32,000 या 33,000 में मिल जाएगा, लेकिन मुझे खर्चा कितना बताया उन्होंने, 40,150 बोर्ड और बैटरी के। ये है गूगल पिक्सल सर्विस सेंटर की सर्विसेज। इसके बाद इसका कॉल मैंने किया, वो एक बार आप सुनिए। यस बोले ना, यस यस मैम, कैन यू स्पीक हिंदी? जी हिंदी में बात ही सकती है, बट कॉल स्टार्ट करने से पहले मुझे आपकी गुड सुनिए ना मैडम, मुझे कमेंट्स लिखा है मैंने, पहले उसको रीड करके ना फिर एक बार बात कीजिए प्लीज। ऑलराइट सर, तो आपने मेंशन किया गूगल सर्विस सेंटर रिटर्न माय फोन एस्टिमेट गिवन कॉस्ट रिपेयर्स 40,000 या 40,150 राइट, आगे बढ़िए। आई have not shown interest to repair this big amount because new purchase amount is only 36,000. yes ab rukiye, ab mujhe ye bataiye, naya pixel main aaj ke date mein bhi purchase karta hu flipkart se, to mujhe 36,000 mein naya mil raha, to ye kaun sa phone mujhe 40,000 mein repair karke de raha?
से और मैं डिटेल चेक करने के बाद ही आपको इस पे कुछ इन्फॉर्म कर पाऊंगी. ऑफ कोर्स प्लीज उसको उसको भी कंप्लीट कीजिए वो कमेंट्स को. ऑफ कोर्स व्हाट गूगल मेक्स स्टूपिड टू पब्लिक दैट कॉस्ट ऑफ रिपेयर 13 मंथ्स ओल्ड फोन प्लीज सी इन पिक्सेल. आई नीड टू क्रैश माय फोन मायसेल्फ. आई एम नॉट आई एम टोटली आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद गूगल शेम ऑन इट. यस मैम आप बताइए इसमें आपको क्या सही लगता है. आप अपने लेवल पे बताइए सिर्फ इसी कमेंट्स पे बताइए. मुझे इशू बताया गया कि मेरा बोर्ड और बैटरी खराब है जबकि फोन मेरे हाथ में था. हाथ में मैं व्हाट्सएप चैटिंग पढ़ते पढ़ते फोन बंद हो गया और ये सारे पिक्सल का फोन पिक्सल का इशू है. मैंने नेट पे काफी रिसर्च की 2-3 दिन में इस पे. 15 दिन बाद फोन मेरा हाथ में आया. उन्होंने कहा कि 40,000 आप रिपेयर करो. अब इसका क्या करूँ क्या मैं फोन का. सर आप मुझे अपना जॉब शीट प्रोवाइड कर सकते हैं. डिटेल्स चेक करने के बाद ही मैं कोई कमेंट कर पाऊंगी इस पर. बोलिए ना मैं कहाँ पे एंटर करूँ. बोलिए जॉब शीट है मेरे पास. यस प्लीज आप मुझे बता दीजिए प्लीज. जॉब शीट का क्या नंबर बताओ आपको. यस यस राइट सर थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए. मैं एक बार चेक कर लेती हूँ डिटेल्स टिकट के अकॉर्डिंग. उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगी. सो आगे की जानकारी चेक करने के लिए क्या मैं 2-3 मिनट के लिए आपके फोन को होल्ड पे रख सकते हैं. यस यस सिर्फ कॉल मत काटिए क्योंकि मुझे नहीं लगता वापस आपसे कनेक्ट हो जाएंगे ये. नो प्रॉब्लम सर हमारी साइड से कॉल डिस्कनेक्ट का ऑप्शन ही नहीं है. तो अगर ऐसा कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से होता है तो वो कॉल बैक के लिए लायबल होते हैं. ओके ओके ऑलराइट थैंक यू. Hi sir, thank you so much for your patience. जी of course. So आपके repair ticket के according मैं check कर पा रही हूँ कि आपने initially जो contact raise किया था अपने repair के लिए उसमें आपने आपका फोन power on नहीं हो रहा था. battery cannot charge. इस related concern raise किया था. Right. और आपका device पहले से ही out of warranty consider करके भेजा गया था जिसमें आपने initially 8,000 रुपए का payment किया. Yes. तो अभी F1 की साइड से जो भी डायग्नोस्टिंग प्रोसेस के बाद रिजल्ट आया आपके फोन का उसमें मेन बोर्ड पावर ऑन ना होने की वजह से मेन बोर्ड और बैटरी का इशू निकल गया है. तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए जो आपको एस्टिमेशन है वो शेयर किया गया है. आई अंडरस्टैंड कि आप बता रहे हैं कि फोन का टोटल अमाउंट 33-34% है फ्लिपकार्ट पेमीट. तो सर अगर हम फोन का स्पेयर पार्ट चेंज करते हैं तो मदर बोर्ड का अगर मैं आपको सेपरेट पार्ट बताऊं जो हमारे यहाँ इंटरनली शेयर किया जाता है कॉस्ट उसमें अगर पिक्सल 7 का मदर बोर्ड चेंज होता है तो 39,100 और अगर मैं आपको बैटरी का कॉस्ट बताऊं पिक्सल 7 तो 1700 प्लस 18% GST. तो उस अकॉर्डिंग सर आपको प्राइस रेज किया गया. आई अंडरस्टैंड ये लॉजिक मैडम ये लॉजिक कहाँ पे बैठता है आप बताए ना मुझे. रिपेयर करने से बेटर मैं उसको फेंक के अच्छा दूसरा खरीदू ना या फिर खरीदो तो खरीदो पिक्सल क्यों खरीदो. दैट्स कंप्लीटली योर चॉइस सर. आई अंडरस्टैंड दिस दैट इज वेरी हाई कॉस्ट एंड द डिवाइस इज आई मीन बट ये कॉस्ट क्यों रेज किया पिक्सल ने. क्या रीजन क्या इसका. क्या पिक्सल चाहता नहीं कि भाई कोई गूगल यूज करे डेड होने के बाद या फिर बंद होने के बाद या फिर रिपेयर नहीं होगा. सर स्पेयर पार्ट्स के जो प्राइसिंग होती है वो डिफरेंट होती है. आई मीन वो स्पेयर पार्ट्स की हम प्राइसिंग में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. वो डिवाइस की प्राइसिंग से मैं समझ सकती हूँ बिकॉज डिवाइस का मैन्युफैक्चरर जो प्राइसिंग होता है वो डिफरेंट होता है. लेकिन अगर स्पेयर पार्ट्स को कलेक्ट करके हम डिवाइस को रिपेयर करेंगे वापस से तो उसमें वो जो है कॉस्ट वो इकोनॉमिकली रेज हो जाती है. तो उस अकॉर्डिंग आपको एस्टिमेशन शेयर किया गया. ये तो यार तो मजा है ही नहीं. अभी क्या बोलेंगे यार. चलिए शुक्रिया. ऑल राइट सर मैं माफी चाहती हूँ असुविधा के लिए. मैं चेक कर पा रही हूँ आपने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया अमाउंट जो आपका डिवाइस नहीं ना कोई आपको क्योंकि इसमें कोई मजा ही नहीं ना रिपेयर करने का. 40,000 डाल के कौन ही इसको रिपेयर करेगा मैडम. आई अंडरस्टैंड सर बट दिस इज द ओनली प्रोसेस वी कैन फॉलो. और ये आपको जो एस्टिमेशन है F1 के साइड से डायरेक्टली भेजा गया है और जो मैंने आपको अभी डिटेल्स बताई है जिसमें पिक्सल 7 का मैंने आपको मदरबोर्ड का प्राइस बताया और बैटरी का. पिक्सल 7 का मदरबोर्ड अगर सेपरेटली रिप्लेस होता है आउट ऑफ वारंटी सिनेरियो में तो मदरबोर्ड का एक्चुअल प्राइस है 39,100 और जो बैटरी का कॉस्ट है वो है 1700 जिसपे 18% जीएसटी इंक्लूड होके आती है और 850 और जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करके 500 का जो एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज है वो इंक्लूड होके आता है. तो उस अकॉर्डिंग आपको एस्टिमेशन रेज किया गया है. ओके चलिए फिर क्या है छोड़ दीजिए इस टॉपिक का कोई मजा नहीं. ओके थैंक यू.
ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए. और इस कॉल के अंत में एक छोटा सर्वे है आप कॉल के रिगार्डिंग, आप वो फिल करना चाहेंगे? हाँ डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं. ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच गूगल में कॉल करने के लिए, आपका दिन शुभ हो. आपकी राय बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. कुल मिला के आप इस समर्थन कॉल से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? अगर आप संतुष्ट हैं तो एक दबाएं, असंतुष्ट के लिए दो दबाएं. और अगर आप ना ही संतुष्ट, आप कितने असंतुष्ट हैं? थोड़ी असंतुष्टि के लिए एक दबाएं. अगर आप कुछ हद तक असंतुष्ट हैं तो दो दबाएं. अत्यंत असंतुष्टि के लिए तीन दबाएं. कौन क्या हम आज आपकी समस्या का समाधान करने में सफल हुए? हाँ के लिए एक दबाएं, ना के लिए दो दबाएं, या अगर आप और सहायता चाहते हैं तो तीन दबाएं.